हम हाथ क्या बात देख सकते हैं दोस्तों, रावण को पेट्रोल डाल के जलाया जा सकता है और यहाँ पानी गिरने के कारण जो है पूरा जल नहीं पाया है। ये अपना घेरा रावण देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, ये रावण जो है पूरी तरह से इसको गिराया जा चुका है। लड़के लोग रावण दहन चालू हो चुका है, सबको पीछे किया जा रहा है, प्रधान का कार्यक्रम चालू हो चुका है, देख सकते हैं। और दोस्तों ये कोरबा का एक ऐसा जगह है जहाँ नदी में रावण दहन किया जाता है, काफ़ी भव्य रावण बनाए गए हैं देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे और देख सकते हैं वो नदी में रावण खड़े हुए हैं। और दोस्तों इधर देख सकते हैं ये सर्वंगला मंदिर, नदी से काफ़ी अच्छा लग रहा है नज़ारा इधर का, और देख सकते हैं इधर पूरा मार्केट लगा हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं सुनील यादव, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जा रहे हैं धनवारपारा जहाँ रावण दहन होने वाला है, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे और देख सकते हैं वो नदी में रावण खड़े हुए हैं, और इधर जो है जागरण का कार्यक्रम रखा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कोरबा में ऐसी एक जगह है जहाँ नदी पर रावण दहन किया जाता है, और यहाँ का दशहरा काफ़ी फेमस है धनवारपारा का। तो चलिए चलते हैं आगे। और दोस्तों इधर देख सकते हैं ये सर्वंगला मंदिर, नदी से काफ़ी अच्छा लग रहा है नज़ारा इधर का, देख सकते हैं इधर पूरा मार्केट लगा हुआ है फास्ट फूड का, जो भी आप खाना चाहते हैं काफ़ी अच्छा और ज़ोरदार लग रहा है देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं रावण के पास में, आपको दिखलाते हैं नया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये खड़े हैं अपने रावण महाराज जी, यहाँ सब सेल्फी ले रहे हैं रावण के साथ में। और दोस्तों ये कोरबा का एक ऐसा जगह है जहाँ नदी में रावण दहन किया जाता है, काफ़ी भव्य रावण बनाए गए हैं देख सकते हैं, क्या बात। मार्केट लगा हुआ है पूरा, काफ़ी अच्छा लग रहा है माहौल, यहाँ का देख सकते हैं माहौल अच्छा है, बढ़िया नदी किनारे हो एकदम। तो देख सकते हैं अभी रावण दहन चालू होने वाला है और सबको थोड़ा पीछे कराया जाए, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लग चुका है, आपको दिखलाता हूँ मैं इधर से कैमरा में नज़ारा, देख सकते हैं। और ये दोस्तों एक पहला जगह है कोरबा का जहाँ नदी में रावण दहन किया जाता है, और काफ़ी मात्रा में भीड़ बढ़ चुका है देख सकते हैं, ये
यहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है। तो चलिए आपको देखते हैं, रावण दहन चालू हो चुका है, सबको पीछे किया जा रहा है और यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम चालू हो चुका है। देख सकते हैं और दोस्तों देख सकते हैं रावण जो है पूरी तरह से नहीं जल पाया, इसलिए रावण को गिराया जा रहा है पीछे से। ये क्या बात, देख सकते हैं रावण जो है गिरने वाला है। ये अपना गिरा रावण देख सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों ये रावण जो है पूरी तरह से इसको गिराया जा चुका है। क्या बात, देख सकते हैं रावण जो है गिर चुका है, अब इसको जो है पूरी तरह से जलाया जाएगा। क्या बात, देख सकते हैं दोस्तों रावण को पेट्रोल डाल के जलाया जा सकता है। और यहाँ पानी गिरने के कारण जो है पूरा जल नहीं पाया है, जलाने में पूरी फिराक में लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कॉर्नर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।